छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कोटा के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में धोखाधड़ी का आरोप, संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से लोग परेशान। व्यवसायिक पाठ्यक्रम BED परीक्षा जिला प्रशासन सुकमा के समक्ष कोटा तहसीलदार व कोटा पुलिस ने मारा था छापा। व्याख्यात के निजी मकान से हुआ था DAD के उत्तर पुस्तिका व सप्लीमेंट्री पुस्तिका बरामद। जिस सप्लीमेंट्री पुस्तिका पर प्राचार्य यशवंत रामा के हस्ताक्षर भी पाए गए हैं। वो प्रैक्टिकल के अधिकृत थे लेकिन वो बोले कॉलेज को डिपूट कर दिया। हम लोग कॉलेज से वहाँ संख्या देते हैं ना, तो वहाँ से ये करते हैं। तो बोर्ड यूएन इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप की रिपोर्ट, बस्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर संजीवनी महतारी के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कई बार राजधानी प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 जुलाई को फिर एक बार सरकार के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ वादा निभाओ रैली निकाली गई। कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी, बर्खास्त कर्मचारियों की वापसी, ठेका तथा अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने के लिए ये रैली निकाली गई। रैली में प्रदेश भर से आए एम्बुलेंस कर्मचारी, अपने परिवार के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सभी कर्मचारी तालाब मैदान से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री बंगले का घेराव करने के लिए निकले थे। उस दौरान पुलिस ने स्प्रे स्कूल के पास बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं संजीवनी महतारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछली सरकार के समय मांगों को लेकर काफी प्रदर्शन किया गया था, पर सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार तो दूर, उल्टा 556 कर्मचारियों को ड्यूटी से ही वंचित कर दिया गया। आज भी एक साल उपरांत बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिनकी अब तक की बहाली नहीं हो पाई है। प्रदेश की नई सरकार ने उन्हें काफी उम्मीदें दी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि प्रदेश की सरकार बनने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, पर नई सरकार के आने के बाद इतने दिनों मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी वादे को याद दिलाने के लिए आज परिवार के साथ वादा निभाओ रैली राजधानी में किया गया। टीवी इंडिया न्यूज के लिए विजय साहू की रिपोर्ट, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा आज श्री राम मंदिर से कलेक्ट्रेट अंबिकापुर तक विशाल शांतिपूर्वक मौन रैली निकालकर विरोध कर कलेक्ट्रेट सरगुजा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सामाजिक समरसता के बिगड़ने वाले देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शांतिपूर्वक मौन विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट महोदय की अनुपस्थिति में ADM को ज्ञापन सौंपा। देश के लिए अशोभनीय है, हिंदू समाज के लिए बहुसंख्यक के समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने उस चरित्र को प्रदर्शित करने के बजाय हमारे चरित्र को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग ये जो मॉब लिंचिंग के विरोध में इन लोगों ने रैली निकाला था, हम लोगों ने हिंदुओं के समर्थन में इस बात के लिए रैली निकाला है कि हिंदुओं की छवि खराब करने का प्रयास न किया जाए। और आपके द्वारा जो कुत्रसित योजना इस देश के अंदर मदरसों के माध्यम से और लव जिहाद के माध्यम से इस तरीके से जो फैलाया जा रहा है, देश का वातावरण खराब किया जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों को अपमानित करने का, आदिवासी समाज के ज़मीनों पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र पूर्वक योजना मदरसों के माध्यम से संचालित हो रहा है, उन सब पर सरकार गंभीरता से संज्ञान लें और इन पर कड़ी निगरानी रखते हुए कोई कड़ा कानून बनाए और इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्रवाई करें। इस बात का आह्वान करते हुए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। तो आप लोग ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के पास में आए थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई आप लोग की? कलेक्टर साहब की व्यस्तता की वजह से ज्ञापन सौंपना हमारा लक्ष्य था। हम तो राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन देना था, माननीय SDM महोदय ने वो लेकर पहुँचाने का मकसद। थैंक यू। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पुलिस कस्टडी से भागकर युवक ने फांसी लगाई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों के साथ किया प्रदर्शन। सरगुजा पुलिस की कस्टडी से भागकर एक युवक ने फांसी लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर शव रखकर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग किया कि मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा या नौकरी दिया जाए। उन्होंने बनारस मार्ग पर शव रखकर पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा या नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मृतक की पत्नी, माता पिता, भाई बहन व ग्रामीण भी मौजूद रहे। बाद में SDM द्वारा तत्कालीन सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। गौरतलब की इस मामले में IG ने TI, 2 SI समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब की 13 लाख रुपए चोरी के आरोप में पुलिस ने भटगांव थाना अंतर्गत ग्राम सल
बालिका अधीना निवासी पंकज वे पिता अमीर शाह 30 वर्ष को रविवार को दोपहर हिरासत में लिया था। रात में वह साइबर सेल स्थित हिरासत से भाग निकला था और डॉक्टर परमार के हॉस्पिटल के विंडो कूलर में पाइप के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजन शव लेकर लटोरी पहुंची ही थे। इसी बीच भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया व भाजयुमो में जिलाध्यक्ष निश्चल प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर पहले हंगामा किया, फिर शव को वापस भगवानपुर तक पहुंचाया। भाई कौन है तू यार, साइड में रख, तो तीन बार बोला आवाज 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 ठीक है अपना नाम बता। मेरा नाम हेमंत है। अच्छा, और ऊपर का बढ़िया से क्या हुआ, क्या चल रहा है? मोबाइल मोबाइल वैसे मोबाइल लड़ा है। अच्छा तुम मोटी हिला जा रहे हो मोबाइल, इसका हेरा झटन मोबाइल जबरदस्ती का मेरे को धक्का मार मार के ले जा रहे हैं और उसका न्याय नहीं हो रहा है। यहां कोतवाली थाना में उसका मार के मर्डर कर दिए, बाहर में लटका दिए, बोलते हैं कि आज सुसाइड कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि वो सुसाइड कर लेगा, वो क्यों सुसाइड करेगा? उसके बीवी है, उसके दो बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा पोसेगा? और वो ऐसी तड़प रहे, चार दिन से बुला रहे थे कोतवाली थाना में, अपने खुद से ईमानदारी से थाना में जाते थे कि पूरा कार्रवाई हो जाए, सही जो है जो किया है वो मिल जाए, हम लोग के ऊपर आरोप लग रहा है बोल के सही जाते थे। कल गए सुबह, मतलब कि 11 बजे गए, और 11 बजे जाने के बाद वो वापस नहीं आए, तो मैं शाम को उसके दोस्त से पूछा कि कैसे नहीं आ रहा है, तो उनको बोले कि बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद अब वहाँ रात भर पूरा थे और बोल रहे कि नहीं वो भाग के सुसाइड कर लिया है। कोतवाली थाना में वहाँ अंदर करेंगे तो इतना वीर है कि वो भाग जाएगा, वहाँ भाग गया। अभी मीडिया वाले बोल रहे थे, कोई भी मीडिया वाले हैं मैं नहीं जानता, मेरे को बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कि उसको न्याय मिले, हम न्याय ही चाहते, न्याय चाहते हैं। और मीडिया वाले थे वो बोल रहे थे कि हम लोग पूरा कार्रवाई करवाएंगे, वही दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे, और वो क्यों नहीं हो रहा है? मीडिया वाले कहाँ गए जो मेरे को लेके आए थे, वो कहाँ गए वो? ठीक है, और जो पूछताछ करना था मेरे से पूछ जान ले लिए, इतना मार दिया कि पूरा सूजन पूरा फाड़ दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धीरज अग्रवाल की रिपोर्ट, सरगुजा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव के द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में बुधवार को आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का नाता सीधे आम नागरिकों से हो, सभी राजस्व प्रकरणों को समय सीमा का निराकरण करें, आमजनों को राहत पहुँचाएं एवं अविवादित प्रकरणों को दो माह तथा विवादित प्रकरणों को 3 माह के अंतर निस्तारण करें, आगामी 2 माह के अंतर पुनः बैठक की जाएगी, लापरवाही या मनमानी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्व प्रकरण की समीक्षा की जा रही है, समीक्षा के दौरान प्रकरणों को निराकरण में आ रही समस्याओं को शासन स्तर पर दूर करने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण को तीव्र गति से काम करने के सुनिश्चित करें। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए पर्यावरण एवं अधोसंरचना वसूली को प्रगति लाकर अगले 6 माह में 50% से अधिक करने का लक्ष्य रखें। अत्याधिक विलम्ब होने से इसे एक तो पक्षकार भी अनुत्साहित होता है, निरुत्साहित होता है, और अनावश्यक रूप से आर्थिक और समय की बर्बादी झेलना पड़ता है। इसलिए प्राथमिकता रखें कि इस विलम्ब टी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम गुप्ता के साथ दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली सरगुजा के 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत सरमना में कोयला डोड़ी में लगभग 17 वर्षों से प्राथमिक शाला स्कूल आज भी कच्चे घर के बरामदे में संचालित है। स्कूल की दर्ज संख्या 28 है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति 26 रहती है। देखने में लगता है कि स्कूल मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, पक्का भवन नहीं होने से छात्र छात्राओं को सक्रिय जगह में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। न तो स्कूल में शौचालय है, न ही कोई रसोई, अजीब सा लगता है देखने में, जैसे कोई भी अधिकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। शिक्षक शनिश्चर राम ने बताया कि यह स्कूल पहले पहाड़ के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन 3-4 साल से नीचे बस्ती में संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि छात्रों को बैठने में असुविधा हो रही है, शौचालय न होना भी
भी एक समस्या है क्योंकि छात्र छात्राओं को खुले में शौच जाना पड़ता है। लेकिन प्रधान पाठक किसी भी शिक्षक के मन में यह नहीं आया कि कम से कम एक बोरा लगवाकर घेराव कर दिया जाए, ताकि ऐसे में पढ़ाई तो दूर शिक्षक अपना समय बिताकर घर चले जाते हैं, उनको इस समय क्या लेना। वहीं बरामदे में मध्यान्ह भोजन बनाने से जो धुआं उठता है उससे भी छात्र परेशान देखे जा सकते हैं। शनिचरण राम, आप शिक्षक हैं यहाँ पे? जी सर। कितने साल से पदस्थ हैं सर? 2017 से। क्या नाम है स्कूल का? प्राथमिक शाला कोलार ढोड़ी। ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं कितनी दस संख्या कितनी यहाँ की? यहाँ की 28। उपस्थिति कितनी रहती है? उपस्थिति आज 25। 28 बच्चों का, इनका आज तक बिल्डिंग नहीं है, पक्का बिल्डिंग भवन नहीं बना होगा? नहीं तो बना है, कच्चे में पर्ची में पढ़ाते हैं। जी सर। इस पर्ची में कितने साल से पढ़ा रहे हैं? यहाँ 2017 से। 2017 से पर्ची में पढ़ा रहे हैं? हाँ। और कोई अधिकारी वगैरह जिले से नहीं आते हैं चेक करने देखने? इसके से पहले तो पहाड़ ऊपर था। पहाड़ ऊपर था, पहाड़ से नीचे आ गए? नहीं, इससे पहले कोई अधिकारी वगैरह जिले से कोई आया है? नहीं, कुछ नहीं देखने। वीओ वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ट्यून इंडिया न्यूज के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट, बतौली, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पेड्रा मारवाही पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक अंतरराज्यीय डीजल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 सदस्यों समेत चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले 3 चार पहिया वाहन व 2 दर्जन से अधिक जरी कैन और 3 बड़े ड्रम पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में आसपास के इलाकों में छुपा कर रखा गया डीजल जब्त किया है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस अभी जुटी हुई है। पूरा मामला मारवाही थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी हो रहा है, पर पुलिस को किसी भी मामले में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिस को मुखबिरों की सूचना मिली कि टेंडू मुंडा गांव में रहने वाला कुछ लोग इस पूरे ग्रोह में जुड़े हुए हैं। पुलिस ने तत्काल तेंडुमंडा गांव में दबिश देकर सुरेंद्र प्रसाद को हिरासत में लिया और उसके निशानदेही पर तेंडुमंडा गांव धनपुर भाड़ी इलाके में दबिश दी, जहां पर एक के बाद एक जगह पर दबिश देकर पुलिस ने 3 चार पहिया वाहन समेत दर्जनों डीजल जरीकेन और 3 बड़े ड्रम समेत 11,000 लीटर डीजल जब्त करते अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वीरू बंसल, अमान डाडा, धीरेन्द्र नाथ यादव, राजनगर रामकुमार धनगवा, अशोक पासवान, राजनगर अविनाश खटीक, सेमरा सुरेंद्र प्रसाद, तेंडुमुंडा संदीप पांडे मारवाही अंकित गुप्ता धनपुर को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेड्रा, छत्तीसगढ़।